हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सूरज और मैं आज आपको रासायनिक सूत्र के पार्ट टू की ओर लेकर चलता हूँ। मैंने रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताया, रासायनिक सूत्र क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको समझाया। अब जो मैं आपको बताऊँगा वह बताऊँगा कि रासायनिक सूत्र जो है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और आपका मैग्नीशियम सल्फेट ये इसमें दिए हुए हैं। अब इन सब का फॉर्मूला को किस प्रकार से लिखा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको साइंस तथा अन्य एजुकेशन के फील्ड से भी जानकारी और नॉलेज मिलते रहे। तब आगे चलते हैं, अब देखते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम क्लोराइड है आपके पास, तो कैल्शियम क्लोराइड को किस प्रकार से है। कैल्शियम का फॉर्मूला आप संकेत वगैरह जान रहे होंगे, तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca और क्लोराइड जो होता है उसका संकेत होता है Cl। तो इनके संकेतों को आप देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में देखिए, जब कभी भी ये बनाते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को आपको याद ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो भी मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ, इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। तो इसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो होते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। और जब हम इसको वर्ग में कक्षाओं में बांटते हैं, तो जब इसको कक्षाओं में बांटते हैं तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आते हैं 2। तो जितने भी मेटल होते हैं उन सब के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। और जब हम लोग यहाँ पर देखिए, इसके तो 2 आ गए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो आउटर मोस्ट इसकी वैलेंसी 2 हो गई तो उसकी वैलेंसी यहाँ लिख देंगे। अब आपके पास है आपके पास कौन है, तो क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। जब इसका आप निकालोगे तो 2, 8 उसके बाद आता है आपका 7, तो आउटर मोस्ट सेल में बच गया 7। तो जी ये जो है वो नॉन मेटल है, इसकी जो वैलेंसी निकलती है वो 8 माइनस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, तो यानी कि निकला इसका 1। तो इसके जो वैलेंसी हमको पता रहनी चाहिए पहले से, वैलेंसी पता रहेगी तो ही हम जो है रासायनिक सूत्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तत्व के साथ। अब ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएगा। अब देखिए Ca1 और ये 2, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए CaCl2 हो गया। अब इसी प्रकार से आगे देखेंगे, इसी प्रकार से कि आपके पास है एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट को एल्युमिनियम का संकेत होता है Al और सल्फेट जो होते हैं वो होते हैं SO4। यहाँ पर SO4 जो है एक सामूहिक रूप से है जिसको रेडिकल कहा जाता है। अब ये जो रेडिकल है और यहाँ पर जो आपके पास इसके जो वैलेंसीज है, इसकी वैलेंसीज हमें ये पता रहनी चाहिए, इसकी वैलेंसी होती है 3 और इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। मूलकों की भी वैलेंसी होती है, मूलक होते हैं ये इंटरचेंज कर जाएंगे एक दूसरे से और क्या हो जाएगा, Al2SO4³। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसका इसके पास चला गया और इसका इसके पास चला गया। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं हम लोग कॉर्नर पे। एक और तीसरा नंबर आपका जो है वह है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम भी एक प्रकार से समूह है और इसके भी मूलक होते हैं। अमोनियम सल्फेट, अमोनिया का NH4 होता है और ये जो NH4 होता है इसके रेडिकल जो होते हैं वो ये 1 होते हैं और अभी तरह सल्फेट का हमने पढ़ा है 2 होता है। तो ये एक दूसरे से चेंज कर जाएंगे और हो जाएंगे NH4² और ये जो है SO4 हो जाएगा। इस चीज़ को देखना है।
आपका क्या आ जाएगा, NH4 का होल टू ही लिखेंगे और इसे लिख देंगे SO4। तो ये फार्मूला हो गया दोस्तों। एक फार्मूला आप भी मेरे साथ अपनी कॉपी पर डिफाइन करें और बनाएं, इसको अच्छे से ड्राइव करें। चौथा नंबर है मैग्नीशियम सल्फेट का। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। उसके बाद आपके पास है सल्फेट, जो अभी तुरंत जान चुके। एक ही चीज़ मैंने बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये दोनों एक दूसरे से चेंज होगा और हो जाएगा Mg2SO4 का। जब सेम सेम रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ये टू टू कट जाएगा और MgSO4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है फॉर्मूले को बनाते हैं। हम लोग फार्मूला इसी प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं दोस्तों। मैं पुनः आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, इसमें जो भी कन्फ्यूज़न अगर आपको बुझाए, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आप ज़रूर बताएं हमें। तब आप वीडियो में बने रहे इतने देर तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।